तो भाई पिछले कल मैंने आपको Realme 8 4G के अपकमिंग सॉफ्टवेयर अपडेट C.12 के बारे में बताया था एंड आज फाइनली Realme ने C.12 का जो लेटेस्ट अपडेट है उसको रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है। एंड ये जो अपडेट है अभी तक सिर्फ अल्फा यूजर को देखने को मिला है एंड बीटा स्टेज के अंदर आपको देखने को मिला है। एंड जो यूजर Realme 8 4G के स्टेबल यूजर है उनको किसी को भी अभी तक ये जो अपडेट है वो देखने को नहीं मिला है। तो आज की इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से फीचर आपको इस अपडेट के अंदर देखने को मिलेंगे एंड पूरा फुल चेंज लॉग जो है इस अपडेट का वो आपके साथ शेयर करेंगे। वेल, कुछ फीचर्स के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ही बताया था, तो उस वीडियो को जाकर के वॉच कर लेना, ऊपर आपको आई बटन में उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक वॉच करना एंड इस टाइप की वीडियो अगर आपको फ्यूचर में और चाहिए तो नीचे आपको लाकर का बटन देखने को मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी के साथ बेल आइकन को आप लोग और पे प्रेस कर सकते हो। इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, आई होप आप लोग इस लाइक टारगेट को कंप्लीट करवा दोगे। सो लेट्स बिगिन। अब दोस्तों बात की जाए फीचर्स के बारे में, बट उससे पहले आप लोग अपडेट का वर्जन, साइज एंड जो चेंज लॉग है वो एक बार चेकआउट कर लें। अपडेट का वर्जन आपको देखने को मिलेगा C.12 750 MB के आसपास आपको इस अपडेट का साइज मिल जाएगा एंड अभी भी ये जो अपडेट है आपको बीटा वर्जन के अंदर देखने को मिलता है, तो सिर्फ Realme 8 4G के जो अल्फा यूजर हैं उन्हीं को अभी तक ये अपडेट देखने को मिला है। एंड बात की जाए चेंज लॉक की, तो चेंज लॉक के अंदर आप लोगों को सिक्योरिटी सेक्शन में अगस्त 2022 का जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैचेज हैं वो देखने को मिल जाएंगे, साथ में सिस्टम की स्टेबिलिटी एंड जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव किया है। फीचर्स एंड बग्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चेंज लॉक के अंदर देखने को नहीं मिलेगी एंड ये जो अपडेट है अभी आपको बीटा स्टेज के अंदर देखने को मिलेगा, अल्फा यूजर को मिला है। तो यहां पर आपको टिप्स का सेक्शन मिल जाएगा जिसके अंदर बताया गया आप लोग अपने बग्स को कैसे फाइंड करेंगे एंड फीडबैक Realme को कैसे देंगे एंड जो Realme की टीम है डेवलपर टीम उसका रिप्लाई आपको कैसे मिलेगा, कौन सा कोड आपने डायल करना, सब कुछ आपको चेंज लॉग के अंदर Realme ने मेंशन किया है, लेकिन फीचर्स एंड बग्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलती। बाकी आगे फीचर्स के बारे में बताया है। अब दोस्तों बात की जाए सबसे पहले फीचर के बारे में, तो वो आपको देखने को मिलेगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन सेक्शन के अंदर एंड इस फीचर का नाम आपको देखने को मिलेगा क्रूशियल वॉलपेपर। इस फीचर्स को फाइंड करने के लिए सिंपली आप लोगों ने अपनी होम स्क्रीन को पिंच करना है, वॉलपेपर का सेक्शन ओपन करो, आप लोगों को क्रूशियल वॉलपेपर का जो फीचर्स है वो देखने को मिल जाएगा। नीचे आप लोगों ने सिंपली इसको टर्न ऑन द लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है, यहां पर आप लोगों ने सिंपली इसको एनेबल करना है, कुछ अपनी इमेजेस आप लोग यहां पर ऐड कर सकते हो एंड जो ग्लैंस की इमेजेस हैं वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। एंड अगर आप लोग अपनी फोटोज अपनी लॉक स्क्रीन के ऊपर लगाना चाहते हो कि जब जब आप लोग अपने स्मार्टफोन को लॉक करो अनलॉक करो ऑटोमेटिकली आप लोगों की जो लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर है वो चेंज हो जाए, तो ये फीचर्स भी आपको इसके अंदर एनेबल देखने को मिलता है। एडिट के ऊपर क्लिक करके सिंपली आप लोग अपनी फोटोज को डिलीट या ऐड कर सकते हो एंड ऐड के ऊपर क्लिक करके आप लोग अपनी जो पिक्चर्स हैं उनको ऐड कर पाओगे। इनमें आप लोगों को सिस्टम एंड एल्बम का फीचर्स देखने को मिलता है जिसको आप लोग अपने यूजर्स के हिसाब से यूज कर सकते हो। बेसिकली आपको ये जो फीचर्स है सेटिंग के अंदर देखने को मिलेगा, आपने सिंपली सेटिंग को ओपन करना है, होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेक्शन को ओपन करो, आप लोगों को क्रूशियल वॉलपेपर का जो फीचर है वो इस नए अपडेट के अंदर देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों बात की जाए सेकंड फीचर के बारे में, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेक्शन में। सिंपली आप लोग अपनी सेटिंग को ओपन कीजिए, होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेक्शन को ओपन करो, जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे इस अपडेट के अंदर आपको क्लॉक स्टाइल का नया फीचर देखने को मिलेगा। इसकी मदद से आप लोग अपनी लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्लॉक का विजेट मिलता है उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। इस टाइम के ऊपर आपको वर्टिकल देखने को मिलता है, मैं हॉरिजॉन्टल करता हूं एंड अगर आप लोग मेरी लॉक स्क्रीन देखें आप लोगों को हॉरिजॉन्टल देखने को मिल गया एंड मैं अब इसको फिर से चेंज करता हूं और अब इसको मैं वर्टिकल कर देता हूं आपके सामने एंड अगर आप लोग लॉक स्क्रीन चेकआउट करें तो आप लोगों को जो लॉक स्क्रीन का क्लॉक विजेट है वो वर्टिकल देखने को मिल गया। फिर आपको ये फीचर्स कैसा लगा, मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगा एंड आपको ये जो फीचर्स है Realme 8 4G के C.12 जो अपकमिंग अपडेट है उसके अंदर 110% देखने को मिल जाएगा एंड इस अपडेट के अंदर आप लोगों को OnePlus का जो क्लॉक विजेट देखने को मिलता है रेड डिजिट वाला वो भी आपको वर्किंग देखने को मिलेगा। एनेबल करने के लिए सिंपली आप लोगों ने अपनी क्लॉक एप्लीकेशन को अपडेट करना है, विजिट के सेक्शन को ओपन करो एंड सेकंड नंबर के ऊपर आप लोगों को जो OnePlus का क्लॉक विजिट है वो वर्किंग देखने को मिलेगा एंड इसको आप लोग अपनी होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन दोनों के ऊपर यूज कर सकते हो। अब दोस्तों इस अपडेट के अंदर आप लोगों को सिस्टम का जो लैग देखने को मिलता था, UI के अंदर जो जिटरीनेस देखने को मिलती थी उसको भी Realme फिक्स करेगा एंड साथ में आपको ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड पहले से बेटर देखने को मिलेगी एंड आप लोगों को जो जिटरीनेस या लैग इशू देखने को मिलते थे सिस्टम UI के अंदर वो भी इस अपडेट के अंदर Realme फिक्स
करेगा। अब बात की जाए कि Realme 8 4G का जो नया अपडेट है अगस्त मंथ का C.12 का, इसको Realme कब स्टेबल के अंदर रोल आउट करेगा। तो ये जो अपडेट है अगस्त एंड तक Realme 8 4G के जो हर एक यूजर हैं उनको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बीटा वर्जन के अंदर Realme बग्स को फिक्स करता है एंड उसके बाद स्टेबल वर्जन में आपको जो अपडेट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। एंड ट्रायल वर्जन के लिए जो अल्फा यूजर हैं उनको इसकी टेस्टिंग के लिए जो अपडेट है वो प्रोवाइड करवा दिया है। दोस्तों बात की जाए इस अपडेट की परफॉर्मेंस एंड बैटरी के बारे में कि इस अपडेट के अंदर आपको परफॉर्मेंस कैसी मिलेगी, बैटरी एनी इशू है कि नहीं है। आपको ये जो अपडेट है वो बीटा वर्जन के अंदर देखने को मिलता है, तो जब तक Realme इस अपडेट को स्टेबल वर्जन के अंदर रोल आउट नहीं करेगा तब तक इस अपडेट की बैटरी ड्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि बीटा वर्जन के अंदर आपको बग्स मिलेंगे, बग्स होंगे तो आपकी बैटरी ज्यादा ड्रेन होगी एंड परफॉर्मेंस भी आपको कम देखने को मिलेगी। तो जब तक स्टेबल वर्जन नहीं आता बैटरी ड्रेनिंग एंड जो आपकी परफॉर्मेंस है उसके बारे में कोई भी कमेंट्स नहीं कर सकते। Realme 8 4G के अंदर Realme UI 3.0 का स्टेबल अपडेट आने के बाद एक बग आपको हमेशा देखने को मिलता था, वो रहा स्क्रीन फ्लिंकरिंग का। वेल अगर आप लोग देखिए मैं अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम करता हूँ तो आप लोग देखिए स्क्रीन की जो फ्लिंकरिंग है वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। एंड मैं अगर एक नॉर्मल भी ब्राइटनेस रखूँगा तो फ्लिंकरिंग इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड इस बग को भी Realme जो है इस अपडेट के अंदर फिक्स कर सकता है। पिछले अपडेट्स के अंदर भी ये जो बग था फिक्स नहीं हुआ था एंड अभी भी आप लोगों को ये जो बग है स्क्रीन फ्लिंकरिंग का वो देखने को मिल रहा है। तो आप में से काफी सारे यूजर का एक कमेंट देखने को मिलता है कि भाई Realme 8 4G के अंदर Android 13 का जो अपडेट है वो कब देखने को मिलेगा। तो आपको बता दूं अभी कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है Realme 8 4G के Android 13 अपडेट के रिगार्डिंग। एंड अभी तक सिर्फ Android 13 का जो अपडेट है वो Realme ने Realme GT 2 Pro डिवाइस के अंदर ऑफिशियली प्रोवाइड करवाया है एंड उसके अंदर आपको Realme के अपकमिंग UI Realme UI 4.0 के जो फीचर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन Realme 8 4G के Android 13 अपडेट के रिगार्डिंग अभी कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। दोस्तों ये तो बात हो गई फीचर्स के बारे में कि Realme 8 4G के अपकमिंग सॉफ्टवेयर अपडेट C.12 के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे। जितने भी फीचर्स आएंगे सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब दोस्तों अगर आपको भी Realme के Android 13 अपडेट एंड Realme UI 4.0 के फीचर्स को यूज करना है तो इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको Realme सिस्टम ऐप अपडेट टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा, इसको जाकर के ज्वाइन करना। आपको यहां पर डेली Realme एंड Oppo एंड OnePlus डिवाइसेस की जितनी भी ऑफिशियल सिस्टम एप्लीकेशन के अपडेट्स हैं वो सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे एंड Android 13 की Realme UI 4.0 की सिस्टम एप्लीकेशन भी आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएंगी। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग इसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। फाइनली दोस्तों इतना इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे आपको आखिर का बटन देखने को मिलेगा, चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।